हमारे साथ गायक स्वाति मिश्रा भी जुड़ गई हैं। स्वाति मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और कैसा लग रहा है आज, और अपने आप कुछ पंक्तियों के साथ इसको अगर भाव अपने बता सकें कुछ पंक्तियों के द्वारा तो बेहतर होगा। स्वाति जी, जरूर बताऊंगी आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो अभी पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है रामलला को लेके, वो है जन्म लिए रखो रैया अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, जन्म लिए रखो रैया अवध आज बाजे बधैया। बहुत बहुत धन्यवाद एंड साथ में सॉरी कि मैं बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, लेकिन आज बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुरीली आवाज में आपने अपने भाव को प्रकट किया है। स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, सूर्य तिलक का महत्व आप बताएं, क्योंकि आज का दिन वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सूर्यवंशी का सूर्य तिलक हो जाए तो कितना खास हो जाता है। देखिए, सबसे पहले महानवमी, नवरात्र, चैत्र नवरात्र, बासंतिक नवरात्र की आज पूर्णता है और भगवान राम का प्रकटोत्सव है रामनवमी। अनेक ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य सब जगह से जुड़े हैं। या जी, सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान राम के अवतरण का जो हेतु है, कारण है, पूज्याय रामचंद्राय सत्य धर्म रताय च, सत्य धर्म का पुनर्बोध कराने के लिए, विलुप्त होते हुए सनातन वैदिक धर्म की आस्था को प्रकट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। अब आप देखिए, हमारी जो पंचोपचार, हमारे पंचदेव उपासना है सनातन धर्म में, गणेश जी, शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य, सूर्य के साथ ग्रह आ गए। और हमारे यहाँ बड़े विद्वान साथी हमारे बैठे हुए, पवन जी हैं, सचिन जी हैं, डीपी शास्त्री जी हैं। हमारे यहाँ नामकरण के बाद जो 11वें दिन किसी जातक का बच्चे का नामकरण होगा तो उस दिन उसको सूर्य दर्शन कराए जाते हैं। सनातन वैदिक धर्म में सूर्य दर्शन का बहुत महत्व है, ये समाज भूलता जा रहा था। आज इस प्रेरणा से मैं हर जगह कहा भी करता हूँ, ठीक है, पहले दर्शन सूर्य के होंगे उस बालक को। ये हमारी अभी हमारे बिल्कुल, मैं महाराज जी आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। स्वाति हमारे साथ हैं, और स्वाति, आपके सबसे मशहूर राम भजन के बिना हम आपसे विदा कैसे ले सकते हैं? प्रधानमंत्री ने भी आपका भजन ट्वीट किया था, जरा गुनगुना दीजिए। जरूर जरूर, मेरा सौभाग्य है कि हर जगह मुझे वो भजन गाने का मौका मिला मिलता है। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे बिल्कुल। स्वाति, बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपने वो भजन सुनाया जो कि सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के लोगों के घरों के अंदर भी हमें सुनने को मिला है और ट्रेंड हैशटैग #1 पर था ये। स्वाति, दो पंक्तियां अगर आप और सुना सकें दर्शकों को आज के इस विहंगम दृश्य को देखते हुए, क्योंकि आज सूर्य तिलक हुआ है भगवान का, हर आंगन हर घर पर आज फिर से ज्योति जली है रामनवमी की, तो दो पंक्तियां एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को सुना सकें तो। जरूर सुनाऊंगी। इसी भजन में एक लाइन है, बिल्कुल, झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, हो प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भागाज खुल जाएंगे राम आएंगे।
धन्यवाद, थैंक यू। बहुत खूबसूरत स्वाति मिश्रा जी। लेकिन अब कुछ भजन उन दर्शकों के लिए, अयोध्या आज वो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जी न्यूज के जो दर्शक हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आज भगवान के सूर्य तिलक को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो भी कम भाग्यशाली नहीं है। तो उनके लिए कुछ अगर आप दो पंक्तियां गुनगुनाना चाहें, और आपको क्योंकि वो सुन रहे हैं, ऐसे में अगर भजन के द्वारा भगवान का पूजन किया जाए तो ये बहुत अच्छा एक कनेक्शन होता है, अगर आप दो पंक्तियां गा सकें तो। स्वाति जी, जो लोग भी अयोध्या नहीं जा पाए हैं, मैं भी आज नहीं जा पाई हूँ, मैं अपने शो के लिए कहीं पे आई हुई हूँ, रामलला के लिए ही मेरा आज का दिन समर्पित है। तो जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए तो एक ही भजन मेरे दिमाग में आ रहा है कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अभी स्वाति जी आप जी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि तमाम जो दर्शक हैं इस वक्त वो आपकी आवाज से मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, साथ साथ तस्वीरें भी इतनी खूबसूरत चल रही हैं। हमारे साथ पवन सिन्हा जी लगातार जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी, क्योंकि लगातार सूर्य तिलक का, भगवान सूर्य का महत्व दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, तो आज जैसे कि आचार्य वल्लभ जोशी जी भी कह रहे थे कि छोटे बच्चे को भी सूर्य भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, और अगर हम साइंटिफिक रूप से बायोलॉजिकली देखें तो बच्चे को, छोटे बच्चे को जॉन्डिस का खतरा रहता है, और उसको फिर सूर्य किरणों के सामने रखा जाता है ताकि विटामिन डी भी मिले और सूर्य किरणों से प्योरिटी भी आए। तो सूर्य तिलक का बहुत महत्व है सर।